सो हेलो कैसे लोग। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेन पेपर वन और जेई मेन पेपर टू, यानी कि मेनली हम जब जेई मेन पेपर टू की बात करते हैं तो जो मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है वो पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए सेम होता है अप्रोक्सीमेटली। अगर एक 19 है तो एक 20 है, अगर एक 20 है तो एक 21 है, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली लेवल सेम होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैथमेटिक्स के पूरी हैंड रिटन नोट्स की एक पीडीएफ आपको दे रखी जिसके अंदर सभी चैप्टर्स के नोट्स इंक्लूड है। वैसे तो अगर आप जो अपने चैनल से कुछ 4 से 5 महीने पहले से जुड़ा हो तो मैंने ऑलरेडी जेई मेन पेपर टू के मतलब मैथमेटिक्स के मोस्टली चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे जनवरी के अंदर, तो हो सकता है आपने पढ़ भी लिए होंगे, आपके पास पढ़े भी होंगे। अब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया था उस समय, ठीक है, पर लेकिन अब जो आपके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी चैप्टर्स बचे हुए थे, यार पहले कुछ 4 से 5 चैप्टर के नोट्स नहीं दे पाया था कुछ रीजंस के कारण, पर लेकिन अब सारे चैप्टर्स ए टू जेड जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलाकर सबकी एक पूरी पीडीएफ, एक पर्टिकुलर एक सिंगल पीडीएफ बनाकर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। नोट्स अवेलेबल है, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक अवेलेबल है, ठीक है। किसका है? जेई मेन पेपर वन और जेई मेन पेपर टू दोनों की जब हम बात कर लेते हैं, पर्टिकुलर वैसे तो हम पेपर टू की बात करते हैं पर लेकिन मैथमेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए सेम होता है। अगर आप में से कोई पेपर वन के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, नोट्स नहीं हो भैया, हैंडरिटन नोट्स नहीं है, तो बिल्कुल इनको रेफर कर सकते हो। पर्टिकुलर जेई मेन पेपर टू के लिए तो है ही, पेपर वन के लिए भी है, पूरा काम आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज ए रिविजन के लिए भी आप काम में ले सकते हो अगर आप ऑलरेडी किसी कोचिंग के अंदर ज्वाइन हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, नीचे पीडीएफ है, हमारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, नीचे आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करना, टेंशन उनको प्रिंट निकाल लेना अगर आपने नहीं निकाला होगा, और अगर आप पहले से जुड़े हो तो गारंटेड आपने अब तक टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आपके पास नीचे अवेलेबल है लिंक, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी एक महीने से ज्यादा पढ़ा है हमारे पास यार, सब नोट्स को, सब चैप्टर्स को, जितने भी चैप्टर्स पीछे लिखे हैं, सब चैप्टर्स पीछे मैंने लिख रखे हैं, इन सभी को करने का समय अभी चल रहा है। उम्मीद करता हूं आपके मोस्टली मोस्ट वेटेड चैप्टर्स हो गए होंगे अब तक। जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि जितने भी पहले पहले जो चैप्टर्स हमको अच्छे लगते हैं, हमारे लिए फेवरेट चैप्टर्स हैं और ज्यादा वेटेज लेकर चलते हैं, उनको पहले कंप्लीट कर देना होता है और उनके अंदर रिवीजन स्टार्ट कर देना होता है, उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना होता है। हो सकता है आपने अभी तक कर दिया होगा और जिसने नहीं किया है तो प्लीज कर दो, क्योंकि अब एक महीने से लगभग लगभग टाइम बचा है और ये टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा, बहुत जल्दी भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक और चीज बात कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि भैया जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं या ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स की कैटेगरी है जो कि ज्यादा इजी होती है, जिसके अंदर से एक एक क्वेश्चन आता है पर लेकिन इजी भी होता है, उनको हम पहले कर सकते हैं, या फिर उसके बाद बात करते हैं ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो कि जिसके अंदर वो कुछ मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज अच्छा खासा होता है और उनको हम पहले करें, ठीक है। मतलब एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या एक ऑर्डर सीक्वेंस होना चाहिए। वैसे तो यार इन सब सीक्वेंस के अपन पहले स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर लेकिन जो कि यार ये बच्चों का डाउट लगातार कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स लगातार पूछ रहे हैं मुझे, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये डाउट्स पूछे जा रहे थे कि भैया मैथमेटिक्स में पहले कौन सा चैप्टर किया जाए, तो उसके बारे में छोटा सा यार 2 से 3 मिनट बात कर लेते हैं। मैंने यार यहाँ कुछ चैप्टर्स लिखे हैं, ये वाले चैप्टर्स और ये चैप्टर्स यार दिखने में पता चल रहा है ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये अप्रोक्सीमेटली जो वेटेज है इन सभी चैप्टर्स का जो वेटेज है ना वो अप्रोक्सीमेटली बात करो तो 65-70 मार्क्स का वेटेज है इन चैप्टर्स का, 65-70 मार्क्स मिनिमम वेटेज है। और जो ये चैप्टर्स हैं और ये चैप्टर्स के इनका मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स के पास वेटेज है, कुल मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर हमारे पास मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलता है। यानी कि भैया दिखती सी बात है, अगर आपको स्टार्ट करना है और आप जो पहले वेटेज वाले चैप्टर्स कर रहे हो तो पहले हमको क्या करना है, इसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर एंड 3D, सीक्वेंस एंड सीरीज, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर्स पहले कर लेने सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इन चैप्टर्स का होता है जो मैंने राइट लगा रखे हैं, ठीक है। और वेटेज के साथ साथ मेनली क्या है कि ये चैप्टर्स ज्यादा इजी हैं एज कंपेयर टू दूसरे चैप्टर्स के मुकाबले, लेना तक एक ध्यान रखना है कि ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी थोड़ी सी अलग है, ये कैटेगरी वो कैटेगरी जो बिल्कुल इजी है, ये इनसे भी इजी चैप्टर्स है और इन चैप्टर से कुल मिलाकर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का, एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का और एक क्वेश्चन सेट्स एंड थ्योरी का। और मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन आजकल नहीं आता है, बहुत सालों से नहीं आ रहा है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले चैप्टर्स को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन 4 से मिलाकर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, अब किससे भी एक से आ सकता है, चैप्टर्स बहुत ईजी होते हैं, इसको हम पहले करके साइड में कर देंगे, ठीक है। ये वाली बात करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ये पहले टिक मार्क वाले चैप्टर्स हम पहले करेंगे तो अच्छा है। उसके बाद जो हमको करना है वो कौन से करने हैं, कॉनिक सेक्शंस, स्ट्रेट लाइन और सर्कल। ये 3 कैटेगरी अलग है, कॉनिक सेक्शंस, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, इन तीनों कैटेगरी में ये तीनों चैप्टर्स अच्छे खासे वेटेज वाले भी हैं पर लेकिन बाकी चैप्टर से थोड़े से लेवल हाई है, मतलब थोड़ा सा इनका टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम इनको ज्यादा लगेगा बाकी चैप्टर्स को करने से, ठीक है। तो पहले बाकी चैप्टर्स करेंगे, उसके बाद इन तीनों को करेंगे, फिर ये जब हो जाते हैं उसके बाद हम लोग किसके ऊपर आएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री, या फिर आप
इन तीनों से पहले इन तीनों को भी कर सकते हो। ये तीनों चैप्टर यार इजी तो है पर लेकिन इनका इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनको बाद में करो तो अच्छा है। पहले टिक मार्क वाले करेंगे, उसके बाद ये तीन करेंगे, उसके बाद आप चाहो तो इन तीनों को भी करो, और करना ही है क्योंकि समय तो अच्छा खासा है। ये करने के बाद ये आएंगे, अच्छा ये वाली चीज तुमको पहले ही कर देनी है, ये चैप्टर्स इससे भी पहले कर देने। कौन से? ये चैप्टर्स, क्योंकि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है, दो से तीन क्वेश्चन आएंगे, इजी भी बहुत ज्यादा है, तो हम इसको एक दिन के अंदर ही कर सकते हैं सारे चैप्टर्स जितने भी लिखे हैं ऊपर, तीन से चार आराम से हो जाएंगे एक दिन में, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, दो से तीन घंटा होगा, एक चैप्टर हो जाएगा। ये करने के बाद ये इतना करने के बाद हमारे पास इसके लिए आएंगे साहब, जो पहले मैंने नोट्स दिए थे उसके अंदर मैंने अधिकतर सभी चैप्टर्स को कवर कर दिया था, पर लेकिन अभी जो नोट्स में चैप्टर्स बाकी थे उसके अंदर मैंने इन इन चैप्टर्स के नोट्स को सबको ऐड कर दिया है, तो अप्रॉक्सिमेटली सब नोट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं लेना तक। तो इन सब चैप्टर्स होने के बाद हम इसके ऊपर आएंगे, इन वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। इन इन चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता फिक्स होता है, अब किसी से दो भी आ सकता है पर लेकिन एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है मोस्टली बात करें तो। एक दो तीन चार पाँच, यानी कि कुल मिलाकर पाँच छः सात क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। कहाँ से? यहाँ से। ज़्यादा से ज़्यादा पाँच छः सात मान लो, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, बाकी जितने भी चैप्टर्स है क्वेश्चन से वो सब यहाँ से आते हैं लेना तक। और दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तीन क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये कुछ मार्किंग क्राइटेरिया, मार्किंग स्कीम रहने वाली है। ठीक है, तो और बस इसी के साथ खत्म करते इस वीडियो को। मेनली जो हमारे पास था नोट्स अवेलेबल है, जाकर डाउनलोड करो, उनको पढ़ना स्टार्ट करो, और आपने जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके उनके लगातार टाइम से टाइम रिविजन करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते अपने अगली वीडियो के अंदर, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।